हमने जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कोर्स कंटेंट कवर करने, ठीक है, आपके साथ बेटा स्क्रीन शेयर, आपके साथ में व्हाट्सएप पे इसको शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। कोर्स कंटेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का नेचर एंड हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इतना ज़्यादा डीपली नहीं हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जस्ट बुलेट्स में होगी हिस्ट्री, तो वो हम देख लेंगे। और उसके थीरीज के कौन सी है थीरीज जो लिंक करती हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, जैसे आपने पर्सनैलिटी में देखा, पर्सनैलिटी में थीरीज पढ़ी कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, कुछ पर्सनैलिटी जो थीरीज ने स्टेजेस दी थी उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फेमस वर्क जो है एरिक एरिक्सन का और जेन पियाजे का, वो भी लिंक करता है थ्रू और, ठीक है, जितने भी डेवलपमेंट है, जितने भी ह्यूमन ग्रोथ है एक पर्सन की उसमें, ठीक है। देन है प्री नेटल डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। उसमें है प्री नेटल डेवलपमेंट एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, बिफोर बर्थ कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे जो है एक जो है न्यू जो एक ह्यूमन बीइंग बन रहा होता है तो उस पर कैसे सारे जो है इन्वायरमेंटल कैसे वो इफेक्ट ले रहा होता है, ठीक है, बिफोर बर्थ, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी आता है कि डेफिनेटली मदर से, ठीक है, वो लेगा। ये हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको वन बाय वन जो है चैप्टर्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। देन है इन्फेंसी, इन्फेंसी में हम फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे एक बच्चे की जो है एक फिजिकल डेवलपमेंट होती है और फिजिकल डेवलपमेंट जो है कैसे अफेक्ट कर रही होती है उसकी अदर एरियाज को, ठीक है, ये सारा देखेंगे। फिर उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे आप लोग एक्सपीरियंस में होंगे, अगर आपने आपके जो है नियर कोई भी बच्चे हैं उनकी कैसे जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कैसे वो बोलना सीख रहे होते हैं, कैसे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना सीख रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है, इसको हम डीपली भी देख लेंगे, ठीक है। और देन सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बच्चा कैसे सोशलाइजेशन सीखता है, कैसे अपने जो इमोशन है उनको जो है अंडरस्टैंड करता है, या अपने इमोशन को जो बताता है इमोशंस के थ्रू चीज़ों को बताता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर चाइल्डहुड आ जाता है, चाइल्डहुड में कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट देखेंगे कि एक बच्चे की जो है चाइल्डहुड में, यानी कि उसकी स्कूलिंग भी हो रही है, उसके जो है प्री ग्रुप भी बन रहा है, तो उसमें कैसे बच्चे की जो है ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट। चाइल्डहुड में फर्दर जो है इनकी सब स्टेजेज हैं, लाइक अर्ली चाइल्डहुड, लेयर चाइल्डहुड, ठीक है, इनको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट हम ओवरव्यू उन सारी चाइल्डहुड स्टेजेस का, मीन सब स्टेजेस का हम ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। देन है एडोलेसेंस, सेम एडोलेसेंस में भी अर्ली एडोलेसेंस है, लेट एडोलेसेंस है, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमने जो है ओवरऑल इसका देखना है कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट और ईगो आइडेंटिटी कैसे होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन इस कोर्स में हमने पढ़नी है। देन है अर्ली एडल्टहुड, इसमें भी सेम वही बात है कि अर्ली एडल्टहुड है, लेट एडल्टहुड है, और इसमें हमने कॉग्निटिव और फैमिली एंड ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, मीनिंग इस एज में एक पर्सन है कि उसकी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे लीड कर रही है उसकी पर्सनैलिटी को और फैमिली सपोर्ट को, या उसकी ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट कैसी है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है कि इन सारी चीज़ों को मेंटेन रख रहा है वो, ठीक है। देन है मिडल एज, ठीक है, मिडल एज में डेफिनेटली हम जो यानी कि एक पर्सन जो है फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज इन सेंस के जो है उसको थोड़ा फिजिकली डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, वैसी उसकी जो है फिजिकल जो है हेल्थ वैसी नहीं रहती, तो उस चेंज के थ्रू उसके सोशल एडजस्टमेंट कैसे होती है, ठीक है, या उसको सोशल एडजस्टमेंट से उसकी फिजिकल हेल्थ पे कितना जो है चेंज आता है। पर्सनैलिटी थीरीज एंड डेवलपमेंट, इसमें सेम एरिक एरिक्सन की थीरी है, कोलबर्ग की थीरी है, मोरालिटी आ जाती है इसमें, कैसे एरिक एरिक्सन ने साइको यानी सोशली स्टेज बताई कि मिडल एज में कैसे एक पर्सन जो है बिहेव करता है या उसकी डेवलपमेंट होती है। क्लोज रिलेशनशिप मिडल एज है, तो क्लोज रिलेशनशिप उसके कैसे हैं, यानी कि मैरिड है, बच्चे जो हैं उसके यंग हैं, या बच्चे जॉब के लिए कहीं और चले जाते हैं स्टडी के लिए, या शादी के बाद जो है सेपरेट हो जाते हैं, लाइक इस एज में जो एम्प्टीनेस कहते हैं, खाली घोंसला, ये मतलब जो पेरेंट्स हैं वो
अलोन फील करते हैं जब उनके जो बच्चे जो होते हैं वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, लाइक अपनी जो है लाइफ में जो है बिजी हो जाते हैं। आप लोगों के भी एक्सपीरियंस में होगा, हमारे कल्चर में है कि कैसे जो है बच्चे शादी के बाद जो है सेपरेट हो जाते हैं और पेरेंट्स का वैसे से ख्याल नहीं रख पाते। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। तो नेक्स्ट जो है इसके ब्रीमेंट एंड डेथ इस एज में जो है हो सकता है किसी लव वन की डेथ हो जाए या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उसमें जो है कि कैसे ये चीज़ें करते कोप करते हैं, कि कैसे उनकी एडजस्टमेंट होती है। और डेथ लाइक उनको लास्ट जो लीस्ट हम सबको पता कि हमने जाना है, तो इससे रिलेटेड जो है उनकी कैसे थिंकिंग है, थॉट्स हैं, कैसे जो है इमोशनली डेथ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सोचते हैं। ठीक है, मिडिल एज के लोग रिक्वायर्ड बुक लाइक आपको सामने शेयर कर दूंगी सॉफ्ट में। लेटेस्ट एडिशन है इसका 17, लेकिन जो मेरे पास सॉफ्ट में अवेलेबल वो 13 है। कि अगर आप लोगों के पास हुआ तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर सॉफ्ट में बेटा आपको मिलते हैं फर्दर आपकी स्टडी के लिए बेटा ये बुक्स ठीक है जो कि आप पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक वो और बुक भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी रिलेटेड टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नॉलेज के लिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जर्नल लाइक जिसमें जो आप अपनी जो आर्टिकल्स है जो अपनी कोई भी रिसर्च है रिलेटेड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो उससे रिलेटेड जर्नल है जर्नल ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जर्नल्स हैं ये JCR के, इनमें जो है आप क्या अपनी कोई भी रिसर्च लाइक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी रिसर्च है तो उसको पब्लिश करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर इसकी डेफिनेशन की तरफ, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है, जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि ठीक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ठीक है कि डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी का, हम डेवलपमेंट की देख लेते हैं डेफिनेशन। द पैटर्न ऑफ न्यूमन ठीक है और चेंज दैट मीन बिगेन एट द कंजप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ स्टाइल, मीन जब कंजम्पशन होनी है ठीक है वहाँ से लेके थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ ठीक है टिल डेथ तक। ठीक है, डेवलपमेंट इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है एक पर्सन की डेवलपमेंट होती है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकली जो अफेक्ट्स आते हैं, लाइक एक मॉडल है ना बायो साइको सोशल मॉडल, इसमें वो चीज़ आ जाती है कि बायोलॉजिकली उसकी ग्रोथ, फिर उसकी सोशली उसकी ग्रोथ, फिर साइकोलॉजिकली जो है कैसे अफेक्ट कर रही है डेवलपमेंट एक पर्सन की, कैसे ये सारी चीज़ें जो है एक पर्सन की जो डेवलपमेंट पे लाइक फिजिकल है साइकोलॉजिकली है सोशली है कैसे जो है अफेक्ट कर रही है, या हम उसको देखते हैं कैसे चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, ये सारी हम इस चीज में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। फिर तो नेम से ही शो हो रहा है कि हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, ग्रोथ को देखना है, ग्रोथ के पैटर्न्स देखने हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के जो है ग्रोथ के पैटर्न क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या इंडिविजुअली एक ही तरह के पैटर्न होते हैं, यूनिक पैटर्न होते हैं किसी में। ठीक है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में पढ़ा हमने कि जो थीरियस थे पर्सनैलिटी थीरी दी थी उन्होंने अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेस पर दी, ठीक है कि कैसे जो है एक पर्सन की पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, लाइक इसमें भी एक डेवलपमेंट है कि ह्यूमन बीइंग की उन्होंने ओवरऑल बताई है, बीइंग के एज ए होल बताया हुआ है कि इस चीज़ में जो है ये पैटर्न्स है और चेंज होगी, लेकिन डिपेंड करता है इंडिविजुअलिटी पे, एक पर्सन की जो है इंडिविजुअलिटी भी होती है कि वो कैसे इस चीज़ को उसकी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाई स्टडी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, क्यों करते हैं हम ये स्टडी। यू कैन गेन इंसाइट टू योर ओन लाइफ एज ए चाइल्ड ठीक है एडोलसेंस एंड यंग एडल्ट, अगर आप सोचें अपने बारे में ठीक है कि आप एज ए चाइल्ड कैसे थे ठीक है, अब की लाइफ कैसी है, स्कूल की लाइफ कैसी है, ठीक है ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अगर आप देखें कि आपका चाइल्डहुड ज़रा आप शरारती थे शायद थी आपका चाइल्डहुड, या आप जो है बहुत ज़्यादा गैदरिंग में खेलना पसंद करते थे, या अकेले खेलना पसंद करते थे, दोस्त ज़्यादा बनाना पसंद करते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इतना अगर अपना आपका चाइल्डहुड याद है, क्योंकि
सारा तो नहीं याद होता क्योंकि मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि बच्चे का जो है चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर आप अपने खुद का देखें, क्या आपको पता है कि आपने चलना कैसे कब सीखा था, या बोलना कब सीखा था, या आपने एक सिंगल वर्ड कैसे बोला, ये आपकी आपके पेरेंट्स ही बता सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यू विल लर्न अबाउट लाइफ थ्रू द अडल्ट ईयर्स, मिडल एज एंड ओल्ड एज। ठीक है, हमने यानी कि मैंने बोला कंजप्शन टू डेथ मीन हमने बिफोर बर्थ टू टिल डेथ तक हमने डिवेलपमेंट देखनी है, और जिस डिवेलपमेंट में बायोसाइकोसोशल मॉडल आएगा। ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये मॉडल इसमें आएगा कि हम इसके थ्रू कैसे एक जो पर्सन है डिवेल्प होता है या उसकी ग्रोथ होती है। फिर यू मे बी ए पेरेंट और टीचर सम डे, ऐसे ही है। ठीक है, आप सीखते हैं, जैसे कि लाइक मैं हूँ, मैंने पहले पढ़ा, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, फिर अब लाइक टीचर हूँ, ये भी ये चीज़ बताई कि मैंने कैसे सीखा, फिर आगे कैसे मैंने सिखाना। ठीक है, लाइक पहले आप लोगों की लाइफ के अनमैरिड है, जो मैरिड है तो फिर पेरेंट्स भी बनेंगे डेफिनेटली, तो इस चीज़ को भी सीखें, यानी कि चीज़ें आप सीख रहे होते हैं लाइफ में। इन शॉर्ट वर्ड ये बताने का मकसद है कि आप चीज़ें सीख रहे होते हैं और थ्रू आउट लाइफ सीखते हैं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज लिंक विद मैनी डिफरेंट एरिया ऑफ साइकिल। इस पॉइंट की समझ आ रही है, क्या कह रहा है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज लिंक विद मैनी डिफरेंट एरिया ऑफ साइकिल, मीन जैसे कि मैंने बताया जो फिजिकल चेंज है वो भी अफेक्ट करता है साइकोलॉजिकली। ठीक है, एक पर्सन की लाइक इसकी एग्जाम्पल लेंगे, अगर जो हाइट एक पर्सन की या एक गर्ल की फीमेल की हाइट छोटी है तो वो इसको साइकोलॉजिकली कितना अफेक्ट हो रही है, उसकी पर्सनालिटी पे कितना अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो अगर फिजिकली या लगा लें फैट है, मोटा है बच्चा या बच्ची, तो वो उस चीज़ को कैसे लेते हैं, और ये चीज़ें सारी चीज़ें किससे सीख रहे होते हैं, एक पर्सन सीख रहा होता है, सोसाइटी, और सोसाइटी में कौन लोग हैं, हम लोग हैं। ठीक है, पेरेंट्स है, सिबलिंग है, और टीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को डिवेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, देन हम अजम्पशन देखते हैं। ठीक है, कि अजम्पशन जो हैं कौन कौन सी है होती हैं, कि कैसे जो एक इन्फ्लुएंस होती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। अजम्पशन में सबसे पहले है ओरिजिनल सिन। ठीक है, चिल्ड्रन वी आर परसीव एज ए बीइंग बेसिकली बैड बर्न इनटू द वर्ल्ड एज ए इवल बीइंग। ठीक है, जैसे इसके नाम से ही शो हो रहा है कि कैसे जो एक पर्सन यानी कि एक बच्चा जो है परसीव कर रहा है खुद को कि बैड है, या जो जहाँ पे वो पैदा हुआ है यानी कि जिस दुनिया में वो पैदा हुआ वो अच्छी नहीं है। ठीक है, कि ये चीज़ भी अफेक्ट कर रही होती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को, ये कैसे परसीव कर रहा है लाइक सोसाइटी बेटा, कि सोसाइटी से कैसे ये बच्चे ने परसीव किया। टूबलर रसाकार, आपको जैसे कंसेप्ट पता ही है कि बच्चा जब पैदा होता है तो ठीक है उसके माइंड में ये ब्लैंक स्लेट होती है। ठीक है, जो कुछ भी फीड हो रहा होता है एक्सपीरियंस के थ्रू, हम ये सोसाइटी, पेरेंट्स, सिबलिंग, यस, इन चीज़ों के थ्रू जो है सारा ये बच्चा चीज़ें सीख रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा इनहेरिट गुडनेस है, चिल्ड्रन आर इनहेरिटली गुड, मीन कि ऐसी इनहेरिट हेरिडिटी में उसके जीन में ये चीज़ आ जाती है कि वो खुद को अच्छा या अच्छी चीज़ों की तरफ लेके चलता है। ठीक है, ये अजम्पशन में आ जाता है कि ये भी हम देखेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कि ऐसी कौन सी चीज़ है, इनहेरिट गुडनेस है कि किस कहाँ से आती है एक बच्चे में, पेरेंट्स से आती है, सोसाइटी से आती है, या गॉड गिफ्टेड है, ये चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये ओवरव्यू है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कि ये चीज़ें हम देखते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। बाकी जो है डिटेल जो मैंने डिटेल कोर्स कंटेंट जो है आपके साथ डिस्कस किया वो हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उन्होंने लिखा वेयर डू आर अजम्पशन कम फ्रॉम, कहाँ से ये अजम्पशन जो है डेवलप हुई। लाइक जैसे मैंने बात की कि हाँ हमने पर्सनैलिटी थीरीज पढ़ी थी, तो पर्सनैलिटी थीरी उनके अगर आपको सेकंड बुलेट का पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, जैसे फ्रॉइड का पर्सनल एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड के जो भी एक्सपीरियंस थे उसकी बेस पे उसने पर्सनैलिटी थीरीज दी,
और जो अल्फा एडलर उसने, ठीक है, उसमें फर्स्ट वन है ट्रेडिशन। ठीक है, ट्रेडिशन क्या है? हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर का, हमारे नॉर्म्स का, वहाँ से आती हैं। ठीक है, अजम्पशन अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ। और इसके अलावा एक्सपर्ट, लाइक मैंने फिर अगेन थीरीज की आ जाएगी इसमें एग्जांपल। फिर रिसर्च, रिसर्च भी आ जाती है कि किन किन एरियाज में रिसर्च हुई है। बहुत आजकल तो बहुत रिसर्च ट्रेंड हैं, बहुत से एरियाज में जो है रिसर्चेज हो रही हैं। आपने भी रिसर्च पढ़ी है, डिफरेंट आपने टॉपिक चूज किए हैं अपने अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने जहाँ पे आपको लगा कि आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, फर्दर रिसर्च करना है, फाइंडिंग लेनी है कि अच्छा हम देखें इस चीज़ को, ये चीज़ कहाँ से आती है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर इतनी ये मतलब डिप्रेशन है तो इसका क्या इफेक्ट होगा फॉर टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। हिस्ट्री को हम आज नहीं देखेंगे इंशाल्लाह, जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।